Venga. अभी आपको याद आ रहा है क्या? बैठिए। अरे बात है यार, बॉटल है भाई। ये ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, कुछ प्रूफ कराएं क्या इसका? ये बन नहीं रहा है। राइट एंगल में लोगे तो आएगा। चले ठीक है, देखते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट ए है, इसकी कोऑर्डिनेट बी है, और इसका कोऑर्डिनेट सी है। यार बन नहीं रहा है इसमें, रुक जाओ। रिजिन 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा मुझे अलग ट्रेंगल बनाना था। इसको ए, ये बी और ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ये X1, Y1। इसके कोऑर्डिनेट है X2, Y2। इसके कोऑर्डिनेट है X3, Y3। इसका एरिया क्या होगा? अरे इसका एरिया क्या होगा? किसी का 11th और 12th में मैथमेटिक्स था इसमें? तो नहीं, ऐसा थोड़े डीबीएम लेकर लिया हो, बट साइंस होगा उसका तो। ऐसा थोड़ी कि सब वन साइंस अपॉन वाले जो कैंडिडेट टू है वे बीसीए और बीएससी आईटी में चले गए, बीसी ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि कोई एमबीए में इंटरेस्टेड हो। एरिया ऑफ द ट्रेंगल्स जो होते हैं उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाया है, फिर से बता रहा हूँ। इसमें ध्यान से देखें, पहले ये क्या होता है, यहाँ देखो X1, ये क्या होता है Y2 माइनस Y3। बहुत बढ़िया, देख के बोल रहे हो क्या? देख के बोल रहे हो ना? देख के नहीं बोलना है, याद नहीं है आपको? Y3 ये हमने बताया था आपको, फिर ये X2 Y3 माइनस Y1, क्योंकि Y4 है नहीं अपने पास। X3 Y1 माइनस Y2, ये हमने फॉर्मूला आपको सिखाया था पहले से ऑलरेडी। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, ठीक है? उसने प्रूफ बताया थे क्या? ऑनलाइन नहीं, इसमें आप देखना। हाँ ठीक है, हो गए दोनों। या ब्रिज 3 जो है उनके लिए भी होगा, ब्रिज 1 के लिए भी होगा, सभी लोग के लिए होगा। कॉमन चीजें, सिर्फ हमें देखिए, आपको ये नहीं बनाना है कि भैया ये चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं या आपको कुछ कर रहे हैं। ये बताना है कि आपको तरीका सिखाना है, विद्वान नहीं बनाना है। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को और क्या क्या यूजेस होंगे, यूनिवर्सिटी पेपर में नहीं रहेगा। बट जिसे आप आगे चल करके, जिसे बीबीएम है, तो उसको क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ना है, उसमें मीन मीडियन ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। पीजीडीएम में भी हो, ठीक है? यस, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बिना मैथमेटिक्स का कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। हाँ तो उसमें है, तो उसी का बात कर रहा हूँ मैं, और क्या।
आपको उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये ये नहीं रहेगा, बट कुछ कुछ रहेगा, कुछ सिलेबस रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, मोड, मिड, मीडियन, कुछ कुछ बताया है, ब्रिज वन को बताया गया है, मीन उन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने बताया है, एपी जीपी, ये पूरा पढ़ना है आपको। अच्छा आज आईकॉम में भी तो पढ़ना था ये आप लोग को। अच्छा आईएससी आपको, आईएससी आईकॉम वाले, आईएससी वाले को तो मैथ है ही, मैं तो और ये सब तो पढ़े होंगे ऑलरेडी पहले से। हाँ एक दिन पहले जीपी बताया, एक दिन कुछ थोड़ा हल्का सा ही मुझे बताने का है, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर कैलकुलस बताएंगे आपको, फिर उसका डिटेल्स आपको जब आपका बैच बढ़ जाएगा तो उसमें आपको पढ़ना होगा, जिस चीज को पढ़ना होगा वो चैप्टर पढ़ेंगे। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, यहाँ देखिए आप, यहां से अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको भी हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, अगर मैं बात करूं यहां से पी क्यू आर, यहां देखेंगे तो अपने कीजिए, अगर मैं बात करूं इस ट्रेंगल का एरिया निकालना व्हाइट वाले पार्ट का, इसको एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते, पूरे का एरिया निकाल दूं मैं, पूरा एरिया निकाल करके इस पार्ट का एरिया को अगर माइनस कर दूं तो इस व्हाइट वाले ट्रेंगल का निकल जाएगा क्या, बोलिए। पूरे का एरिया निकाल करके इस पार्ट का एरिया को हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं तो हो जाएगा, तो पूरे का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा ये देखते हैं। चलिए मेरे को ये बताइए, ओपी इक्वल टू क्या होगा, ओपी इक्वल टू व्हाट, यस ओपी क्या होगा, ब्रिज फर्स्ट वाले को तो बताए हुए हैं, तुम भी आईएससी में मैथमेटिक्स ले चुकी हो, ओपी क्या होगा, ओपी क्या होगा, ब्रिज फर्स्ट वाले बताएंगे, एक्स टू होगा, क्या मतलब दो तो हो यार, ओ क्यू कितना होगा, एक्स वन होगा, वाई टू कहां से होगा, यहां देखिए इसको देखिए आप, कहां से खींचा हुआ है, एक्स वन होगा, एक्स वन, फिर मेरे को आप बताओ ओ आर कितना होगा, एक्स थ्री होगा, अगर मुझे जरूरत पड़े कि आप बताओ पी क्यू कितना होगा, पी क्यू y1, pq, y2, b, p, o, o की यहां से, op यहां से, तो pq क्या होगा, oq माइनस op होगा ना, y2 होगा, कहां ध्यान है तुम लोगों, पीछे सेचुरेट हो गए क्या आप लोग, PQ कैसे निकलेगा, PQ देखो ना फिगर में, OQ माइनस OP होगा, OQ क्या दे रखा है, X1 दे रखा है, तो X1 माइनस X2 होगा, बोलिए मेरे को ये बताइए QR कितना होगा, QR PR माइनस, या तो सॉरी QR चाहिए ना, तो OR माइनस OQ होगा, OR क्या है, X3 है माइनस X1, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए सिर्फ लिखने पर ध्यान मत दीजिए, अब ये बताओ आपको यहां से बीपी कितना होगा, बीपी एक्स टू होगा, ये बीपी, ये पॉइंट को पकड़ो वाई टू, फिर यहां से बताइए एक्यू कितना होगा, वाई वन, और अगर मैं बोलूं कि सीआर बताइए कितना होगा, वाई थ्री, ये होगा, यहां तक नोट करें, ये जो पॉइंट्स होता है ये इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर कि अगर आपके पास, देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर x कॉमा वाई, इसका मतलब है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये x डिस्टेंस होगा और ये क्या होगा, y डिस्टेंस को शो करेगा, तो यही तो y डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये x डिस्टेंस को शो कर रहा है, x और y, ये सभी के लिए लागू होगा ना, सभी के लिए फॉर्मेट चेंज होगा।
ठीक है। हाँ नोट करे सर। एक और निकाल करके आप रखो, पीआर निकालेगो तो क्या मिलेगा? पीआर, पीआर क्या मिलेगा? पीआर निकाल चुके हैं क्या? यस सर। कहाँ पर है पीआर? नहीं निकला है। पीआर निकालने के लिए ओआर माइनस क्या होगा? ओपी। दैट मींस ओआर क्या है? एक्स थ्री माइनस एक्स टू। इसको आप रहने दें। चलिए आइए नेक्स्ट में आते हैं, इसको नोट करके रखें। अगर मैं बात करूं पूरे एरिया का, ट्रेंगल का एरिया का, एरिया ऑफ आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी, लीजिए नोट नोट डाउन। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये सारे निकालेंगे, सारे साइड को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ कैसे आप कैसे स्टेप बाई स्टेप। एरिया हमने लिखा था, ये एरिया लिखा हुआ है, तो थोड़ा लाउड काम नहीं कर रहा बेटा। ये रखा हुआ था ये सारा कुछ जो है प्रूफ करने के लिए हम लोग कर रहे हैं ये सभी चीज। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नहीं आया? आ गया सर। ये वाला आ गया सर, समझ आ गया। आप बताओ कैसे आया ये? हाँ, ये कैसे आया सर? कैसे हुआ सर? मेरा तो बी और बी के डिस्टेंस पे सर, तुम पीछे तो सर नहीं राइट पर क्या है सर? कौन सा प्लीज वन से हो आप? टू से। टू में क्या चल रहा था लास्ट टाइम? स्ट्रेट लाइन बहुत बात क्या है, पहला क्लास में हमने बताया। ठीक है, पहला क्लास में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट करके मैंने बताया। ऐसा थोड़े कि मैथ नहीं पढ़ा तो आपसे पूछेगा ना जी। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है, जाकर के आप अपडेटेड वीडियो भी देख सकते हैं या आपको नोट्स या बुक्स भी आप देख सकते हैं।
और अभी भी हमने बताया है यहाँ पर काम, अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से जो है डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, ये डिस्टेंस एक्स है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई है। यहाँ पर भी आप देखो ये एक्स टू वाई टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पार्ट क्या होगा एक्स वन होगा और ये पार्ट क्या होने वाला है वाई टू। तो ये वाई टू होगा तो ये भी सामने है तो इसका भी वाई टू ही होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी सबको भी देखोगे, यहाँ से ये बात करो तो ओ क्यू पता चलेगा आपको, ओआर पता चलेगा, फिर पी क्यू आप इसमें से निकाल सकते हैं। जब आपके पास ओपी और ओक्यू पता है तो आप पी क्यू निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस सर्कुलर यूज मतलब ये मतलब ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पता है, यहाँ से यहाँ पता है, तो ये नहीं पता होगा। वो सिंपल सी बात है, जो नहीं भी पढ़े होंगे वो भी बता सकते हैं। उसी तरह से ये अगर आपको पता है, ये पता है तो ये पता नहीं चलेगा। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन किया ये लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए आप लोग, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज में आए। एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी की मैं बात करूं तो अगर इस ट्रेंगल का एरिया ऑफ ट्रेंगल की बात करूं, यहां देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, इसको और इसको, पूरा एरिया क्या होगा, पूरा एरिया ए बी पी क्यू ए, एरिया ऑफ ए बी पी क्यू, ए बी प्लस एरिया ऑफ ए सी आर क्यू। मोबाइल क्लासरूम में नहीं यूज करना, पता है ना आप लोगों को। ए सी आर, ए सी आर क्यू, इसमें से आप क्या करेंगे कि इस एरिया को आप माइनस करेंगे बी सी आर पी, बी सी आर पी, एरिया ऑफ बी सी आर पी। यहां देखिए ये एक्चुअली हो क्या रहा है, इस पूरा एरिया को निकालने के बाद इस एरिया और इस एरिया को जोड़े तो क्या हुआ कि हमारे पास इधर से देखे ए बी पी ये मैंने निकाला था और इधर से ए सी आर क्यू, इनको ऐड कर करके ये वाला पार्ट का जो एरिया है हमारे पास, ये वाला पार्ट का एरिया जो देख रहे हैं, इसको हमने क्या किया अलग कर दिया, हटा दिया, तो हमें बचेगा सिर्फ ये एरिया। अब ये मेरे को बताओ, यहाँ देखिए बात नहीं, ए बी पी क्यू ये कैसा क्षेत्र बन रहा है, कैसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी कैसा क्वाड्रिलेटरल, आप देखो ये दोनों, ये देखो क्वाड्रिलेटरल में ये क्या है पैरेलल फॉर्मेट है और ये क्या है उसका हाइट है, तो ये कैसा हुआ ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सारा क्वाड्रिलेटरल होता है आपका, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मेट होता है, रेक्टेंगल भी आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट होता है, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम सब क्वाड्रिलेटरल ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का हम लोग का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया कैसे होता है, ट्रेपीजियम का कोई एरिया बताएंगे, इसका कोई मैथ्स खुद से मतलब, ऐसा नहीं कि 11th में मैथ्स लिए थे तो क्लियर से कोई मतलब नहीं है, ट्रेपीजियम का क्या होता है एरिया, समलंब चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं शायद, समलंब चतुर्भुज, समलंब, समलंब ना ट्रेपीजियम का वही होता है, इसका क्या होता है देखो, ये होता है वन बाई टू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का नहीं का मतलब ये है कि इसका बीपी प्लस क्या होगा ए क्यू,
एक्यू हमने लिखा है क्या? एक्यू कहीं एक्यू लिखा हुआ है, सारा कुछ लिख दिए। एक्यू प्लस बैक हो गया, एक्यू और बीपी नोट है ना आप लोगों के पास, बीपी। अच्छा उसका हाइट क्या होगा, हाइट कौन सा होगा? ये हाइट क्या तरह ट्रीट करेगा आपको, ये पी क्यू, ठीक है, ये हाइट की तरह ट्रीट करेगा आपको ये पार्ट। तो आप बी पी क्या है, पी पी क्यू है, पी क्यू प्लस वन बाई टू। इसमें करेंगे आप देखेंगे तो यहां पर एक फिगर है, इस फिगर से राइट साइड की तरफ हम मूव करते हैं, तो ये भी एक क्या क्या है, ट्रेपीजियम है, ये भी होता है वन बाई टू सम ऑफ द साइड्स इनटू हाइट। तो इसके लिए हाइट क्या काम करेगा, ए क्यू का काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, सी आर काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, ये पैरेलल साइड्स का काम करेगा, और हाइट्स जो होगा क्यू आर होगा। तो ये दोनों को ऐड करके और क्यू आर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाई टू करके ही होगा यहाँ पर भी। ये क्या हो जाएगा बोलिए, आप लोग के कॉपी में लिखा हुआ है ना, बार बार मुझे बैक जाना पड़ रहा है। ए क्यू प्लस सी आर से ये ए क्यू प्लस सी आर होगा, ए क्यू प्लस सी आर, ए क्यू प्लस सी आर, और हाइट क्या होगा प्लस क्यू आर माइनस। ये देखिए एरिया ऑफ द दिस बी सी आर पी, इसकी बात देखते हैं क्या है, ये वाला ट्रिक का देखते हैं। तो ये भी क्या करेगा, ट्रेपीजियम की तरह ही होगा। देखिए ये इसमें क्या होगा, ये होगा बीपी सी आर पैरेलल साइड्स, और ये क्या हो जाएगा, हाइट का काम करेगा। तो याद रखेंगे, अभी मैं आ रहा हूँ, मुझे बताएंगे। वन बाई टू क्या होगा, बी सी प्लस सी आर पी आर, सारे वैल्यू आपके पास हैं। ये वैल्यू को रखें, वन बाई टू इंटू ए क्यू क्या होगा, वाई वन प्लस वाई टू, ये बताइए ये क्या होगा, एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू, ये पी क्यू है, प्लस वन बाई टू, यहाँ पर ए क्यू बताइए कितना होगा, y1 वन प्लस वाई टू ना, y1 वन, अच्छा सी सी आर क्या होगा, y3 थ्री, और क्यू आर नहीं दिख रहा है, अच्छा ओके ठीक है, x1 वन माइनस x3 थ्री माइनस एक्स वन, ऊपर लिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, एक माइनस वाला भी अभी टर्म आपका है, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ देखिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, टाइम हो गया, इसका आप वैल्यू को रखेंगे, ये रखेंगे, और उसके बाद होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, एडजस्ट कर करके जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वो आपको प्रूफ करना है, मतलब लाना है, मैं सभी की कॉपियां देखूंगा नेक्स्ट क्लास।
एक एक कर कर एक एक क्या मुझे इतना दिखा दोगे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा कैलकुलेशन किए हो आप। इतने को देखने में 10 मिनट तो लगेगा मुझे। सर आई नहीं था।